सी आई द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा अध्याय आठ पृष्ठ एकांकी चतुर गीदड़ पहला दृश्य स्थान तालाब का किनारा तालाब की ओर देखते हुए मगरमच्छ अपने आप से <laughs> आपकी सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊ कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला मुझे तो मुझे तो बहुत भूख लगी है आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया कछुए का प्रवेश कछुआ कहो भाई मगर मच क्या हाल है सब ठीक तो है इतने उदास क्यों हो आ, क्या बताओ मित्र भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं क्यों क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली पृष्ठ चौसठ अरे मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता हाँ गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है मित्र कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ कुछ सोचकर लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो कान में कुछ कहता है ठीक है ठीक है मैं मैं ऐसा ही करूंगा दूसरा दृश्य एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है पृष्ठ पैसठ कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है हाय अब मैं क्या करू मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया अचानक उसके प्राण निकल गए अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया का प्रवेश क्या है भाई कछुए क्यों रो रहे हो ए? मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग गया दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा है क्या कहा मगरमच्छ मर गया अपने आप से कहता है अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था ए, क्या कहा क्या कहा? अब, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ये तो ये तो बड़े दुख की बात है मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ पृष्ठ छियासठ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे दे देखो बेचारा मरा पड़ा है गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है अरे ये तो बिल्कुल शांत है नहीं 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 ये ये तो ये तो सांस ले रहा है भाई कछुए क्या ये सचमुच मर गया है हाँ 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 देखते नहीं ये तो मरा पड़ा है पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगर मच्छ की पूंछ हिलती रहती है लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा नहीं भाई ये बिल्कुल मर गया है तभी मगर मच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है भाग भागकर दूर जाते हुए कहता है ओह अपने मित्र को देखो अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में कहता है खोल दो अपनी आंखें भाग गया गीदड़ तुम बिल्कुल मूर्ख हो तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए अब उसे पकड़ना कठिन है पृष्ठ सड़सठ बातचीत के लिए एक आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है दो अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं तीन कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है चार आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे पांच अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए सोचिए और लिखिए एक तालाब में मछलियां क्यों नहीं थीं? दो कछुए ने क्या उपाय सोचा तीन गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई चार गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली कहानी से एक नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं उनका आपस में मिलान कीजिए भूख के मारे प्राण निकलना गीदड़ को लाने का प्रयत्न डर के मारे प्यासा रह जाना पूछ हिलाना यहाँ पर गीदड़ मगरमच्छ और कछुए का चित्र है पृष्ठ अड़सठ भाषा की बात एक कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए पंक्ति एक ता ल श, ज, थे बा पंक्ति दो ला पा न मु रि पंक्ति तीन ब न ना क शिचार ते दी, र पो ख र। पंक्ति पांच री बी ये कुछ बो र, वे, ल गा था आपकी सहायता के लिए एक अक्षर बनाया गया है पो ख पोखर इसी तरह पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर उनके नाम रिक्त स्थान में लिखिए दो सही वाक्य बनाइए दो मित्र कहीं जा रहे हैं इस वाक्य में द को क म को ग और ह को, प से बदल दिया गया है इस तरह नया वाक्य बना को गित्र कपी जा रपे, अब दिए गए वाक्य में ल को ह और स को भ से बदलकर नया वाक्य बनाइए मैं बलुत सूखा सूखी लू रिक्त स्थान में सही वाक्य लिखिए पृष्ठ उनहत्तर तीन कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए कठिन रिक्त स्थान प्रयत्न रिक्त स्थान सहायता रिक्त स्थान प्यारा रिक्त स्थान चार एक मछली अनेक मछलियां नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए एक मछली अनेक मछलियां एक चूड़ी अनेक रिक्त स्थान एक रिक्त स्थान, अनेक मक्खियां एक लड़की अनेक रिक्त स्थान एक रिक्त स्थान अनेक टोपी, एक ककड़ी अनेक रिक्त स्थान यहाँ पर तालिका के दोनों तरफ कुछ चित्र भी दिए गए हैं पृष्ठ सत्तर पता कीजिए और लिखिए इस कहानी में मगरमच्छ गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए जल व थल पर रहने वाले जीव रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान थल पर रहने वाले जीव रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान मेरी सोच यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते यहाँ लिखिए पृष्ठ इकहत्तर आप क्या सोचते हैं अगर मगरमच्छ पूछ न हिलाता, तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता रिक्त स्थान मेरी कलाकारी यहाँ पर अंडे की ट्रे की मदद से कछुआ बनाने की विधि को सात क्रमों में दर्शाया गया है पृष्ठ बहत्तर ठहा के हाथी इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है चींटी। अच्छा अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुस कर दिखाओ हाँ। लड़की सहपाठी से वो कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती सहपाठी आसान सी बात छिपकली और क्या <laughs> अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था तभी उसका मित्र आया मित्र अमन ये क्या कर रहे हो अमन चिड़िया को दाने खिला रहा हूँ मित्र पर तुम्हारे हाथ में दाने तो है नहीं अमन तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं है <laughs> अध्यापक ममता पंद्रह फलों के नाम बताओ ममता आम संतरा अमरूद और एक दर्जन केले हैं <laughs> पूनम सहपाठी से मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं सहपाठी अरे वाह क्या है वो चीज पूनम छेद है <laughs> 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 अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल ध्वनियान मयंक कुमार निर्माण सहयोग चेतना शर्मा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आईईटी एन -E -E नई दिल्ली भारत